ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। आज पापा को गुजरे 20 साल हुए, मैं उन्हें आज भी बहुत मिस करती हूँ। आज उनके कमरे से मुझे कर्ण पिशाचिनी साधना की किताब मिली और मेरी यादें फिर से ताजा हो गई। कर्ण पिशाचिनी, यह एक ऐसी खतरनाक मंत्र साधना है जिससे साधक अपने मंत्रों से एक पिशाचिनी को खुश करता है और वो पिशाचिनी अपने साधक को किसी भी सवाल का जवाब उसके कान में देके उसे खुश करती है। सवाल कैसा भी हो, चाहे भूतकाल हो या वर्तमान काल, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन अगर यही कर्ण पिशाचिनी नाराज हो गई तो ये वरदान कभी श्राप में बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। ये बहुत साल पहले की बात है, तब हम बहुत गरीब थे। हमारी जमीन साहूकार ने धोखे से हड़प ली थी, खाने पीने के भी लाले लगे थे, हम लोग पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। तभी मेरे पापा को उनके दोस्त ने कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में बताया तो मेरे पापा को ये आखिरी रास्ता नजर आया। उन्होंने 41 दिन की कड़ी साधना की और इसके चलते उन्होंने एक कर्ण पिशाचिनी को खुश कर लिया। पापा अब शहर आ गए थे, जो भी कुछ पैसा बचा था उन्होंने वो शेयर मार्केट में लगाया। उनकी कर्ण पिशाचिनी कौन से शेयर्स के भाव बढ़ने वाले हैं या गिरने वाले हैं जब उनके कान में पता था। हर रोज पापा नई नई जगह इन्वेस्ट और ढेर सारा पैसा था। देखते देखते हम लोग थोड़े ही दिन में रही से हमारे पास अब सब कुछ था। पापा से बड़े बड़े लोग मिलने आते और उनकी सलाह लेते। एक दिन पापा के दोस्त ने हमारे घर पे सरप्राइज पार्टी रखी क्योंकि पापा बाहर कहीं भी जाना अवॉइड करते। उसी रात से पापा अजीब सा बर्ताव करने लगे। दिन रात वो अपने आप को कमरे में बंद कर देते और चिल्लाते रहते, शायद किसी की बड़बड़ से तंग आए। मुझे या मम्मी दोनों को अंदर आना मना था। पूरा दिन शराब के नशे में धुत अपने कान में रुई डालते और अपना सर कस के बांध लेते थे। किसी भी डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं चल रहा था। एक दिन तंग आकर मेरी मम्मी ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा कि पापा की कर्ण पिशाचिनी उनसे नाराज हो गई, शायद पापा ने ऐसा कुछ किया था जिससे वो नाराज हो गई। तांत्रिक ने कहा कर्ण पिशाचिनी को हर रोज शराब और मांसाहारी खाना देना पड़ता है, वो अपने साधक को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती और तो और अपनी पत्नी बेटी माँ या बहन के साथ भी नहीं। पापा रोज शराब पीकर चिल्लाते रहते। उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना भी बंद किया था। पापा ने खाना पीना छोड़ दिया। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उनकी कर्ण पिशाचिनी नाराज होने के कारण पूरा दिन पापा के कान में वो चिल्लाती रहती। एक मिनट भी शांत नहीं होती थी और बार बार यही बताती कि उनकी बेटी यानी मेरी मौत कैसे होगी। ये सुन के मेरे पापा और चीखते चिल्लाते ताकि कुछ सुनाई न दे, इसीलिए उनको एक कमरे में बंद कर लिया था। एक दिन अचानक उनके चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। उनके गुजरने के 2 महीने बाद मुझे उनका ये लेटर मिला। कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली थी। ये घर प्रॉपर्टी सब पापा के कारण ही था।
हमारी स्थिति सुधारने के लिए पापा ने अपना बलिदान दिया था, आज भी मुझे लगता है कि मेरे पापा यही करेंगे मेरे साथ। अगर उनकी कर्ण की शादी अब भी उनके साथ हुई तो। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।